आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोरोना महामारी को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा आंशिक कर्फ्यू लॉकडाउन लगाया गया है। अब ये आंशिक कर्फ्यू 31 मई तक लागू किया गया है, लेकिन ताजनगरी की सड़कों व बाजारों का हाल कुछ और ही बयां कर रहा है। कोरोना महामारी को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा आंशिक कर्फ्यू लॉकडाउन को जारी किया गया था। अब यह आंशिक कर्फ्यू 31 मई तक बढ़ाया गया है, लेकिन ताज नगरी की सड़कों व बाजारों का हाल कुछ और ही बयां कर रहा है। सड़कों पर कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन होते हुए भारी भीड़ देखी जा सकती है। सड़कों व बाजारों में भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस अधीक्षक नगर रोहन प्रमोद बोत्रे ने जनपद वासियों से महामारी के प्रति जागरूक रहने की अपील की है। देखिए, आंशिक कर्फ्यू जो है 31 मई तक बढ़ाया गया है। कुछ जो बाजार हैं उसको खुला रखने की जो है डीएम साहब के द्वारा उसमें संस्तुति भी की गई थी, पहले से ही चल रहा है। 7 से 1 तक कुछ दुकानें खुलेंगी। इवनिंग के टाइम पे जनरली रश जो है वो कम होता है, परंतु ये 7 to 1 वाला ये जो भी जो टाइमिंग है इसमें भी हम लोगों ने लगातार प्रत्येक जगह पर चेकिंग कर रहे हैं। SPCT रोहन प्रमोद बोत्रे ने बताया कि जिस तरह से ताज नगरी में COVID-19 के ग्राफ में कमी आई है, उसमें जनपद वासियों का जिला प्रशासन और पुलिस के प्रति बहुत बड़ा सहयोग है। उन्होंने कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए जनपद वासियों से आंशिक कर्फ्यू के नियमों का पालन करने की अपील की है। सारे बाजारों में पुलिस की गश्त भी हम लोगों ने लगाई है। बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहे, भीड़ अपनी दुकानों पर ज्यादा लगवा रहे और उसमें लाइन ना लगवाते हुए लोगों को सामान का वितरण जो है वो कर रहे, बिना मास्क के बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ मुकदमा तक लिखा गया है। काफ़ी जो है सर्कमस्टांसेस में ऐसी कार्रवाई जो है वो की गई है। लोगों से मेरा अनुरोध है कि वो पूरी तरीके से कर्फ्यू का पालन करें। 1 सप्ताह और जो है वो बढ़ाया गया है, उन्हीं के भलाई के लिए है और उसी के चलते COVID-19 के जो केसेस हैं वो भी लगातार आप जैसे देख रहे हो उसका आंकड़ा भी जो है वो कम होते जा रहा है। वहीं SPCT ने बताया कि लगातार आगरा पुलिस द्वारा महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। जो लोग नियमों का उल्लंघन कर सड़कों पर निकल रहे हैं, उन पर कार्यवाही की जा रही है। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।